हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दोस्तों फोर व्हीलर लेने के लिए। और दोस्तों क्या बताया, जब पिछले जब जीवन को हम लोग याद करते तो काफी हमें भी मतलब दुख आता, और मतलब ऑटोमेटिक मतलब क्या ही बताया, आप सभी लोग इतना खराब फील होती है ना, क्योंकि मुंह के सामने हमें लोग ऐसे ऐसे बोले हुए थे ना कि मतलब बहुत निंदा करे हुए थे हम लोगों को, मेरे ही मतलब अगल बगल के लोग, जब हम लोग ब्लॉग्स बना रहे थे तब ऐसे ऐसे मतलब कि व्यवहार कर रहे थे। और आज दोस्तों आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद की वजह से दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं फोर व्हीलर लेने के लिए। आज डिलीवरी डेट है दोस्तों फोर व्हीलर, जैसे आप सभी लोग देखे होंगे कि हम लोग बुक कराए हुए थे। और दोस्तों हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती दोस्तों, बस मेहनत करिए। और मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करती आ रहा हूँ और हमेशा मोटिवेट करती आऊंगा, और किसी को भी गरीब समझ करके इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग जब जाते थे दोस्तों दुकान, बहुत लोग हमको हंसते थे और कई जगह तो वीडियो बनाने मना कर देते थे। बहुत मतलब हम लोगों का वस्त्र कपड़ा देख करके हम लोग के साथ ऐसा लोग व्यवहार किए हुए थे यही मात्र एक साल के दरमियान में। लेकिन अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं दोस्तों, कहीं भी हम लोगों को रोका नहीं जाता, वीडियो बनाने का मतलब अभी कुछ विरोध नहीं करते। लेकिन एक समय था ना कि डायरेक्टली हम लोगों को लोग मना कर देते थे कि वीडियो यहाँ नहीं बनाइए, बहुत लोग गरीब को ही नजर से देखते हैं। इसीलिए दोस्तों आज के डेट में कभी भी किसी को भी कहीं भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, नहीं, क्योंकि आप लोग तो हमें बहुत ही करीब से देख रहे हैं, हमारी जो वीडियोस को शुरू से देखते आ रहे हैं। इसलिए किसका किस्मत में किसका नसीब में क्या है कोई नहीं जानता, किस्मत कभी पलट सकती है बस, और मेहनत भी करना चाहिए लोगों को, मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। इसलिए किसी को भी कमजोर समझ कर कभी सताना नहीं चाहिए और हंसना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग कभी भी लोगों को कुछ आज तक किए नहीं है। हम लोग एक ही हमारे मानना है दोस्तों कि ऐसा काम करिए किसी का दिल ना दुखे, मतलब आपके कामों से किसी को कोई खराब ना हो, मतलब ठेस ना पहुंचे किसी को, किसी का दिल ना रोए, बस वही चीज गलत होती है। लेकिन हम लोगों को इतना लोग गाली दिए हुए थे, इतना लोग निंदा किए हुए थे, मत पूछिए, क्योंकि एक कहावत है दोस्तों कि अब अच्छा करेंगे ना फिर भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे फिर भी लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना तो बोलेंगे ही। तो आप सभी लोगों को हम लोग दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद की वजह से दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। मतलब सारा चीज हो गया, आज डिलीवरी डेट है, तो चलिए अभी चलते हैं। और आप सभी लोगों को फिर से थैंक यू कहना चाहेंगे दोस्तों, और जो मेरे मित्र हैं सुनील भाई उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, और वो अभी अभी आ रहे हैं दोस्तों, और वो अभी स्टेशन में जंक्शन में। तो अगर मैं गाड़ी लूं और वो ना आए तो यही तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो सुनील भाई अभी आए हुए हैं, तो चलिए पहले चलते हैं सुनील भाई के पास, वो अभी स्टेशन में है और हम लोग एक गाड़ी बुक किए हुए हैं। चलिए सब सामान उठाइए, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं भाई। चलिए चलिए, क्योंकि अभी हम नहाए तो ठंड लगता है। चलिए हम अपना जैकेट ले लिए दोस्तों, अपना स्वेटर ले लीजिए ना, ले लिया। हाँ चलिए चप्पल पहनिए, और अभी भी हम लोग जाते हैं चप्पल पहन के जाते हैं, लोग हंस देते हैं कि लोग चप्पल पहन के जाते हैं, क्योंकि लोगों का अपना अस्तित्व कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, है कि नहीं। चलिए एक साल हो गया है और आज पढ़ने का कैंडिडेट नहीं होने का कार्य। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए।